गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। लाइफ में हर किसी के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लाइफ में आदमी को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आज मैं जहाँ पर आया हूँ, जिस नगर में मैं अभी हूँ, उस नगर का नाम ही राम के नाम से शुरू होता है। तो मैं अभी चल रहा हूँ रामनगर में। ये सांगरिया फाटा से थोड़ा आगे है और उस नगर में मैं किसी कारणवश किसी काम से आया हूँ। तो इस रामनगर में जो बंगले हैं, जो मकान हैं और यहाँ के लोग हैं, बहुत ही सभ्य और बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है, चारों तरफ अच्छे अच्छे भव्य बंगले बने हुए हैं और यहाँ का लोकेशन भी बहुत ही एकदम शांत है, शांत वातावरण है, शांत माहौल है और एकदम अच्छा, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ और यहाँ की रौनक, यहाँ के बंगले, यहाँ का जो है व्यवस्था, वो सब देखी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी और मेरा भी मन कर रहा है कि यहाँ पर मेरा भी एक मकान हो। तो दोस्तों, ये सब जरूर होगा एक दिन। गाइज, तो समय हो गया है शाम का और हम आ गए अपने घर पर ऑफिस से। तो गाइज, बात कुछ ऐसा है कि हमेशा जो हमारा ब्लॉग शूट होता है वो हमारे पूरा फैमिली के साथ होता है, लेकिन अब इस ब्लॉग के बाद शायद ही हमारा फैमिली ब्लॉग आएगा और हर एक ब्लॉग में अकेले शूट करूँगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसा हुआ है, शायद हमारे परिवार को किसी की नज़र लग गई है। तो गाइज, हुआ ऐसा कुछ कि हमारे और प्रिया की लड़ाई हो गई, तो इस वजह से प्रिया वगैरह हमारे ब्लॉग में अब नहीं आ रही है। आपने देखा होगा गाइज कि जो इस ब्लॉग को मैंने स्टार्ट किया वो भी मैंने घर से बाहर ही किया है। तो गाइज, बात कुछ ऐसा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आपको मैं बता देता हूँ कि क्या बात हुई है। हुआ ऐसा कि हमारे और प्रिया के बीच में कुछ गलत फहमी हो गई, उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा है और वो ना ही कोई समझना चाहती है, तो इस वजह से उन्होंने हमें कुछ भला बुरा कहा, जो भी कुछ हुआ, तो उसकी वजह से हमारे और उनके बीच में फाइट हो गया है, नहीं लड़ाई हो गई, बोलचाल हो गई। इस वजह से वो मेरे से बात करना भी उसने बंद कर दिया। पता नहीं ये कितने दिन और चलेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए। मेरी भी कुछ फीलिंग्स वगैरह हैं, मैं भी बाहर काम करता हूँ, लोगों से दिन भर बातचीत करता हूँ, बाहर के लोगों से भी परेशान हो जाता हूँ। उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है, इसकी वजह से अब हमारे ब्लॉग में वो कभी नहीं आएगी। आप लोग गाइस कमेंट में बताना मुझे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसको कुछ तकलीफ हो या परेशानी हो, वो अपने आप ही परेशान हो रही है और अपना आप ही ऐसा सब कुछ कर रही है, तो उसका तो मैं अब क्या कर सकता, उसे भी समझना चाहिए कि हम लोग कितने परेशान हैं, हम लोग भी तो परेशान होते हैं, बाहर काम करते हैं, लोगों से बाहर लड़ते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो ये सब हम भी तो बाहर परेशान होते हैं, तो उसको ये सब मेरे साथ नहीं करना चाहिए जो उसने किया। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही है जिसकी वजह से ये गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। मैं ये कोशिश करूँगा कि ये सब दूर हो जाओ और सब कुछ सही हो जाए। उसका गुस्सा पता नहीं कब शांत होगा, कैसे होगा, ये मैं नहीं जानता। ये सिलसिला कब तक चलता है हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब तक चलेगा बुरा ही है, क्योंकि
हमारी एक छोटी सी फैमिली है और उसमें हम दोनों हैं जो मेन पहिए हैं अपने इस, मतलब एक गाड़ी कह सकते हैं तो उस गाड़ी के हम दोनों ही एक मेन पहिए हैं। और हमारे दोनों बीच में ऐसा तकरार रहेगा तो फिर ये गाड़ी कैसे चलेगी, आप कमेंट में बताना। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, या प्रिया को क्या करना चाहिए या आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस मेरा तो मन ही नहीं करा व्लॉग शूट करने का, लेकिन क्या करूँ, डेली व्लॉग है तो शूट करना पड़ा मुझे। आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे क्या करना चाहिए या प्रिया को क्या करना चाहिए, किस वजह से ये सब गलतफहमियाँ हुई, किस वजह से ये सब हुआ। तो उसको थोड़ा सोचना चाहिए उसको भी, क्या मेरे बच्चे हैं, तीन तीन बच्चे हैं, अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं तो उसको भी गम खाना चाहिए, या उसको मिल बैठ कर बातचीत करना चाहिए कि ये समस्या है तो उसका सॉल्यूशन है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो ऐसे गुस्सा होना या किसी से लड़े झगड़ा करना ये सब अच्छी बात नहीं है। तो गाइज आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट फेस व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हो सके तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि हम दोनों को क्या करना चाहिए।